दिल इस गवादर तक, ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। Sundays at 3:30 p.m. Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nazreen. Welcome to Overseas with Rahat Rao. Aaj bada hamara special program hai aur bada excitement hai. क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं दिल अपना पाकिस्तान के होस्ट लिविंग लेजेंड जनाब खैरुल साहब। बहुत से लोग आज कह रहे होंगे कि ये टाइटल क्यों बदल दिया राहत भाई ने कि लिविंग लेजेंड, इसलिए कि इन्होंने एक मिली नगमा 2.5 साल की मेहनत के बाद तैयार किया है और उसकी जो तैयारी के बाद कंप्लीट हुआ है और उनकी टाइमिंग ऐसी है कि 14 अगस्त को इन्होंने उसको रिलीज़ किया है। वो मिली नगमा जो है वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, बल्कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान में अदल, इंसाफ और पाकिस्तान से प्यार करने वाला शख्स है, वो इस मिली नगमे को सुनने से के बाद ज़रूर उसके दिल में ये जो है ये मिली नगमा घर कर जाएगा। तो ये जो मिली नगमा है, इसके जो खालिक हैं जनाब मियां खैरुल साहब, पेशे के लिहाज से इंजीनियर भी हैं, एंकर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं माशाल्लाह। तो कहते हैं ना 2-in-1 की बजाय इस 10-in-1। एंड इंतखाब भाई, बताएं आप इसकी जो आपने ये नगमा जो किया है सॉन्ग को, कैसा आपको कैसा ख्याल आया? सबसे पहले मैं राहत राव साहब आपके प्रोग्राम को मैं मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को और उन्हें वेलकम करता हूँ। आज़ाद भाई, आपने मुझे वेलकम किया अपने शो में, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे चाहने वाले, मेरे वो लोग जो कि देखते हैं हमें कि भाई हम कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उसको सराहते हैं, शुक्रिया। तो राज भाई, ये हुआ ऐसे कि मैं एक दिन बैठा सोच रहा था कि यार ये हमेशा हम कहते हैं, बात करते हैं कि पेशावर से कराची तक की, तो मैंने कहा पेशावर से कराची नहीं है मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान तो बहुत सरहदें लंबी हैं इसकी, बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो फिर वो गिलगित और ग्वादर की डेवलपमेंट हो रही थी और गिलगित से भी उसका ताल्लुक यूँ है कि वहाँ से जो सी पैक है वो शुरू हो रही है, उधर से ही आ रही है चाइना से, तो वो चाइना से फिर इधर ग्वादर तक। तो मैंने कहा कुछ ऐसे अल्फाज एक दिन मेरे जहन में ऐसे आ गए, गिलगित से ग्वादर तक, फिर माशाल्लाह फिर धरती का जिक्र आया कि वो हमारी धरती है, पाक धरती है। तो मैंने फिर उसमें बस इसी तरह लाइनें ऐड होती चली गई और लेकिन इनको क्रैक करने में 2-2.5 साल से ज़्यादा का अर्सा लगा। और उसके साथ आपकी मैंने देखा है शायरी भी हार्ट टचिंग है, फिर उसके अंदर वीडियो और आवाज़ आपने, यानी कि एक भरपूर, वैसे तो आप इंजीनियर हैं लेकिन माशाल्लाह लगता है ऐसे है कि आप शायर भी बहुत कमाल के हैं माशाल्लाह। जी हाँ, शायरी का कुछ यही शौक हुआ है कि दिल की जो लगी बातें होती हैं, असल में हमारा दिल पाकिस्तान में ही इस वक्त भी है, हम पाकिस्तान ही की डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ का हर गरीब जो है, अगर वो पढ़ लिख नहीं सका लेकिन वो एक माशरे का ऐसा शहरी बने जिसमें उसे इज्जत मिले और उसके काम की तौकीर हो और उसके काम को उसे पैसे मिले और वो जो लोग इहतसाल करते हैं, सियासी ज़ुबान नहीं यूज़ कर रहा लेकिन ये इहतसाल एक ऐसा लफ्ज़ है कि आप लोगों को अपना जो ग़ुलाम बना लेते हैं, उस ग़ुलामी से निकलने का ये गाना मैंने इसको अल्फाज दिए हैं। तो ये नाज़रीन, ये थी इंतखाब भाई का जो इसका नगमे के जो मिली तराना है, मिली नगमा है, उसमें जो इनकी इतनी मेहनत हुई है वो आपको बता रहे थे। इसके साथ हम आपको ये अभी इंशाल्लाह सुनाएंगे भी, आप सुने और अगर आपके कुछ सवालात हैं, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात है तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, लाइव हम कॉल भी आपके लेंगे
7234812 पर व्हाट्सएप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कोई भी सवाल किसी किस्म का भी, अगर कुछ सियासी सवाल भी आपके जहन में है वो भी आप हमें कर सकते हैं। वो ये पूछना था कि वहाँ पे आपने नॉमिनेशन का इलेक्शन लड़ा था पार्टी टिकट के लिए, या अगर नहीं लड़ा तो आप बताएं कि किस तरह से इस नॉमिनेशन को कैसे जीतना होता है, क्या इसका तरीका है कि पार्टी आपको नॉमिनेट करे। गुड क्वेश्चन। यहाँ का जो पोलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर पहले दक्षिणी होते पार्टी होते हैं, पार्टी पार्टी के अंदर अगर आपके पास एक राइटिंग है उसके अंदर दो कैंडिडेट्स हैं, आप दोनों मेंबर हैं अंदर पार्टी के वहाँ कंटेस्ट, तो पार्टी जितने कह सकती है ना कि आप नहीं करोगे आप लोग, उनको पार्टी के अंदर से इलेक्शन लड़ना उसके उसकी नॉमिनेशन होती है, उस इलेक्शन को कहते हैं नॉमिनेशन विद इन द पार्टी। तो अब जैसा मैं हमारा था कि हमारी जो पूरी हमारा अलबर्टा में ही हमारी जितनी भी सीट्स हैं सब के लिए होती है 87 सीट्स हैं अलबर्टा के अंदर 86-87। तो अब हर सीट हर राइडिंग में हमारी नॉमिनेशन हुई थी, तो आई हैव टू कंटेस्ट माय ओन विद इन द पार्टी। तो वो एक तरीका होता है उसका, यू हैव टू मेंबर्स, यू हैव टू हैव सपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे, वोट वही डालते हैं ना जो पीपल पार्टी के मेंबर होते हैं, तो फिर वो जो नॉमिनेशन वही बनेगा जिसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं। तो यस आई हैड टू गो थ्रू ए वेरी टफ नॉमिनेशन एंड आई वन। उस दिन बता दूँ -40 की वजह था में, एंड इट वॉज February 9, 2019 इलेक्शन से तकरीबन ऑलमोस्ट 1 month बिफोर। तो इट वॉज वेरी हार्ड कंटेस्टेड राइटिंग, और मेरे अकाउंट में 4 लोग और भी थे, सख्त मुकाबला हुआ था, और इस तरह मैं बहुत सारी चीज़ें मैं लकी रहा हूँ। और बात जो होता है ना, यू डोंट हैव एनी कोई स्लाइड की होती है, लेकिन लक ऑलवेज वर्क्स, बस यूँ समझ नहीं सकते। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। किया हारून भाई ने और माशाल्लाह बिलाल भाई ने और बाकी भी हारून भाई, तो उम्मीद है कि इस जज्बे के से और इस कमिटमेंट के साथ अगर हम चलेंगे तो कोई बुईद नहीं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इस मस्जिद को तामीर होता हुआ देखें इंशाल्लाह। जैसे अर्जुन भाई ने बताया कि फिनिशिंग के काफ़ी काम जो हैं वो तो स्पॉन्सर हुए हुए थे, और जब भी हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा काम। दूसरा ई ट्रांसफ़र्स हैं, ई ट्रांसफ़र्स भी ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज साजिद हमीद साहब के साथ हैं, जो कि होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और इस सेशन का मकसद ये है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी परमानेंट रेजिडेंसी का, या वर्कर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उनके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कुछ इश्यूज हैं, हम साजिद हमीद साहब से पूछते हैं। कीप वाचिंग दिल अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई कैन हेल्प इमिग्रेशन सर्विसेज इज रिलायबल एंड लीडिंग इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइडर इन सरी बीसी। We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-786. Our website is www.icanhelpimmigration.com. और ये आपको हम ये मिली नगमा जो है ना, ये आपकी नजर करते हैं, आप इसको सुने। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है।
गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। हमारा है कुछ करके दिखाना है, तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है, मनफी सियासत को हवा से भगाना है, मुल्की लुटेरों को अब सबक सिखाना है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। वतन अपनी तरजीह हमारी है, अब राह तरक्की पे नजरे हमारी है। घर से जो हम निकले ये अजमल ये सारे औलाद के मानद है, शीशे से भी भारी है। दिल अपना पाकिस्तान ये जान हमारी है, ये शान हमारी है, ये आन हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह हमारी है। गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है, ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। नाज़रीन, आपने देखा कि बड़े ही शौक से जो है, बल्कि मैं गा रहा था इसे। हाँ जी, ये आपने देखा कि इसको, इस गाने के जो अल्फाज हैं वो दिल में गिरते चले जाते हैं। बेशक बेशक। तो नाज़रीन, ये थे, ये हैं इंतखाब भाई, जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये जो अपना मिली नगमा तैयार किया। ये बहुत अरसे बाद ऐसा कोई मिली नगमा आया है जो कि आपको पूरे पाकिस्तान की तर्जमानी करे और की आवाज़ हो कि गिलगित से गवादर तक ये आज़म हो कि हमने तालीम भी हासिल करनी है और मुल्क में जो है इंसाफ भी होगा और लुटेरों को भी निकाला जाएगा। तो एक पूरी इसके, अगर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा तो एक पूरी एक फ़लासफ़ी है, सही बात, एक पूरा उसमें एक निज़ाम की बात है। अदल मदीना और यानी कि एक पूरा एक अज़म बताया है कि एक सच्चे पाकिस्तानी का क्या ख्वाब होना चाहिए, क्या ख्वाब, जैसे कि इमरान खान का एक ख्वाब है। तो असल में ये उस ख्वाब की एक किस्म की, आप कहते हैं कि अल्फाज में उसको एक आइन को, हाँ, एक गाने में समो दिया है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं इंतखाब भाई, मैं जितना भी आप बताएंगे उतने मुझे कम लगेगा। हाँ, मुझे बस यही है कि हम आइन की बात करते हैं, हम अपने मुल्क में आइन को पामाल नहीं होने देंगे। भाई ये चंद एक इंसानी हकूक हैं, हम अदल दें, इंसाफ दें, तालीम दें लोगों को, सेहत दें, वहाँ पे सेहत की सहूलियात दें, और यहाँ कनाडा में भी हम रहते हैं तो यही चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कनाडा कनाडा है। सेफ्टी हो लोगों के पास, अमन हो, और ये अमन और सेफ्टी ही जो है वो लोगों की तरक्की में मशले राह बनता है, उनको रुकावट नहीं होती, उनके जो काम हो रहे हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएं, नस्लों की नस्लें पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में
बह जाती हैं। दादे का केस ये सोचें आप कि तकसीम पाकिस्तान के वक्त के कुछ केसेस हैं वो अब जाके भी नहीं निपटाए जा रहे हैं। जी 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 ठीक है। और हमारी छोटी अदालतें जो हैं वहाँ से लेके बड़ी अदालतों तक सो मोटो तो लिए जाते हैं बड़ी अदालतों में, लेकिन जो छोटी अदालतों के काम है जो बड़ी अदालतों के भी काम है वो क्यों नहीं हो रहे अपने टाइम पे? वो ये चीज़ें मेरे ध्यान में थी। और फिर एजुकेशन का निज़ाम जो है इवन होना चाहिए जो कि हो रहा है, जिसमें बड़ा टाइम लगेगा। और मैं बड़ा मशकूर हूँ गवर्नमेंट का कि उन्होंने अब उसमें तालीम में किताबों में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ पूरा उनका दुरूद जो है वो लिखा जा रहा है, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही हमारा ईमान है, हम इसी ईमान पे कायम है और हम यही चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्लों को भी यही पैगाम पहुँचता रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक नगमे की सूरत में, मिली नगमे की सूरत में, जो कि 2.5-3 साल लगे मुझे बनाने में करने में। और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि मैं कई उस्तादों के पास भी लेके गया, वो इसके तखय्युल को सोचते हुए उन्होंने कहा भी ये आप ही लिखें, इसे आपके जहन की चीज़ है। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं लेके गया और उन्होंने कहा भी ये आप खुद ही लिखें, इसे खुद ही करें इसे। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और जब हिम्मत नहीं हारी तो अल्लाह ताला ने मुझे साथ दिया मेरा, और ये काम जो है मैं करता चला गया। और एक नगमे की सूरत में 14 अगस्त को हमने इसलिए बस वो हालात और वाकयात बन गए। हमारे टीवी शो दिल अपना पाकिस्तान की भी 34 सालगिरह थी, फिर हमने आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड कैलीग्राफी का शो किया, हमने वो भी हमारा चल वो हो गया, बड़ा पॉपुलर हो गया। और उसके साथ साथ 14 अगस्त की केक कटिंग हुई है, वो भी हो गया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा लास्ट वीक जो हमने किया है, और वो शो जो है बहुत इंतहाई कामयाब रहा हमारा। बहुत अच्छा है अपना इंतखाब भाई, आपका जो चैनल है माशाल्लाह बड़ा कामयाब है, दिल अपना पाकिस्तान, उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं, नाज़रीन को बताएं जरा। जी नाज़रीन, ये भी ये 4 साल की काविश है। 4 साल पहले जब हमने शो शुरू किया तो उस वक़्त हमें ये ज़रूर हुआ कि भाई हमें इसकी जो टेक्निकल नो हाउ थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ख़ासतौर पर मुझे। और फिर बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे, मैं डिटरमिन रहा, अपना फोकस रहा कि हमें अपने शो को किस तरह से कामयाब करना है। शुरू में बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तजर्बे में इजाफा होता चला गया। हमारे तजर्बे में इजाफे के साथ साथ लोगों ने ख़ास तौर पे हमें बहुत पसंद किया। जब लोगों ने पसंद करना शुरू किया तो हमारे शो को जो है एक रौनक आ गई शो में। तो यही दिल अपना पाकिस्तान है, सब लोग दिल से नारा लगाते हैं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, जब आप मैं राजा जी जी आप हाँ जब आप ये देखेंगे जब आप वहाँ पे जब आप वहाँ पे आते हैं अपने क्या नाम है उसका, जब लोग एक कहीं भी जमा होते हैं तो वो दिल से ये कहते हैं कि इंतखाब भाई आप वो नारा लगवाएं दिल अपना पाकिस्तान का, जो कि वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। और मैं पूरे वैंकूवर के लोगों को और दुनिया भर के लोग जो हमें देखते हैं उनका मशहूर हूँ कि दिल अपना पाकिस्तान की वैंकूवर की जान जो है उन्होंने वाकई उसको जान बना दिया, और इसके बगैर ये हमारा शो मुकम्मल नहीं होता जब तक हम ये नारा ना लगाएं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। ना 14 अगस्त के हवाले से कुछ आप बताएं कि आपकी क्या इस दफ़ा जो सेलिब्रेशन हुई है क्या फीलिंग है? जी COVID-19 की वजह से दिल अपना पाकिस्तान ने जो 14 अगस्त का शो किया वो बिल्कुल हमने उसके जो प्रोटोकॉल थी COVID-19 की उसको मलूज़ खातिर रखा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे ना लोग ज़्यादा थे, और आप हमारे वीडियोस में भी देख सकते हैं लोगों ने 2 फीट का फासला जो है 2 मीटर का फासला भी रखा, और उन्होंने काफ़ी अपना जो है उसको इस चीज़ को लोगों ने सराहा भी। नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज साजिद हमीद साहब के साथ हैं, जो कि
होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन सेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और इस सेशन का मकसद ये है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी परमानेंट रेजिडेंसी का, या वर्कर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, उनके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कुछ इश्यूज हैं। हम साजिद हमीद साहब से पूछते हैं कि ये क्या बताना चाहेंगे। वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई दिल अपना पाकिस्तान के लिए और आपकी कवरेज के लिए। जी, ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये पिटीशन साइन कर रहे हैं होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो हम जो है उनके साथ पार्टिसिपेट करके उनका साथ देना चाह रहे हैं। बेसिकली जो इमिग्रेंट्स अनएम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, जो यहाँ आके काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो जब 4, 5, 6, 7 साल काम कर लेते हैं तो वो अपने आप को जब पीआर के लिए उनकी अपनी पिटीशन जमा कराते हैं या फाइल करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट जो इंग्लिश की है, आइल्स की, वो बढ़ जाती है। जैसे कि 5 बैंड्स हैं तो वो 6.5 हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब एक आदमी 5, 6, 7 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी इंग्लिश की, वो पे टैक्स पेयर कर रहा है, अपना क्या कहते हैं यहाँ पर सोसाइटी के साथ वेल बिहेव कर रहा है, सोसाइटी के साथ वो बिल्कुल काम कर रहा है, तो सडनली जो है वो पीआर अप्लाई करने के लिए उसका एकदम में इतना बड़ा झटका, क्योंकि वो एजुकेशन तो नहीं हासिल कर रहा। तो ये एक किस्म का जो है उनको पीआर हासिल करने से रोकना है। दूसरी तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें 3 लाख जो है एम्प्लॉई जो है अपना कहते हैं हर साल चाहिए। अगर उन्हें 3 लाख एम्प्लॉई चाहिए, वो नए 3 लाख जो एम्प्लॉई लाएंगे वो कम से कम जॉब सर्च के लिए 2-3-4 महीने वेट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे जॉब सर्च के लिए, टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब ये वो लोग हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कंटिन्यू टैक्स पे कर रहे हैं, कंटिन्यू इस सोसाइटी का हिस्सा बने हुए हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ आए हैं और उन्होंने अपना जो है स्टूडेंट अभी अपना कहते हैं एजुकेशन ख़त्म कर ली है, उनका एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर उन्हें कुछ आवर्स करने पड़ते हैं जॉब्स के लिए, तो वो पीआर अप्लाई करते हैं, मगर कोविड की वजह से वो 1 साल उनका ऑलमोस्ट ज़ाया हो गया है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वेव करे वो टाइमिंग, और इसको जो है फ्रीज करके उनको नए सिरे से जो है टाइमिंग दी जाए कि वो अपना पीआर अप्लाई कर सके। और इस तरह कुछ जेन्युइन रिफ्यूजी केसेस हैं, उन जेन्युइन रिफ्यूजी केसेस को भी जो है गवर्नमेंट जो है एज सून एज उसको लुक करे। तो ये एक किस्म की पिटीशन हम साइन कर रहे हैं, उसके लिए हम आगाही और लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम देना चाह रहे हैं। जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम की ये जो इन्होंने चीदा बातें बताई हैं बहुत अच्छी बातें हैं, और साजिद मीद ख़ास तौर पे वॉलंटियर वर्क में हर जगह आगे होते हैं अपना टाइम निकाल के, ये इनकी बड़ी खूबी है। तो हम आपको इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां दिखाएंगे, देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ जसविंदर सिंह साहब हैं जो कि होप वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला हैं, सरपंच हैं, और ये आज इनसे हम बात करेंगे कि ये किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। साजिद हमीद साहब ने अपना बता दिया है और मैं इनके मुंह से चाहता हूँ कि ये एक्सप्लेन करें कि क्या इन्हें मसाइल हैं जो कि इमिग्रेंट्स को हो रहे हैं। जी जसविंदर जी, वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी सारे नो। बात ऐसा था कि यहाँ पर जो कनाडा में सभी वर्क परमिट होल्डर, स्टूडेंट, रिफ्यूजी काफ़ी लंबे अरसे तो इतने काम कर रहे हैं, तो बिकॉज कोविड-19 करके इतने प्रॉब्लम आई कि जेड़ा हर रिफ्यूजी वर्क परमिट होल्डर जिन्हें भी है उन्होंने हर अरसे बाद वर्क परमिट न्यू हों, पर कोविड-19 करके ना इस टाइम तो न्यू नहीं सी हो रहे, सो इस करके बच्चों दिया पढ़ाइया रुक गई, MSP नहीं हो रहे, सो जो बाकी लाइसेंस न्यू कराने वो भी नहीं सी हो रहे। इस करके असी एक कदम शुरू किया कि जिद पटीशन के रूप के सारे गवर्नमेंट में एक रिक्वेस्ट पाई जाए, वो रिक्वेस्ट जी थ्रू असी पटीशन के जो 4,000 मैनुअल साइन कराए ने असी इतों सारी BC के तो इन उस तो बाद असं ऑनलाइन कराया, ऑनलाइन 17,000+ ऑनलाइन पूरे ऑल ऑफ कैनेडा के हो गए हैं, ऑलरेडी स्टिल चल रही है। तो इस करके असं गवर्नमेंट को यह एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिन्हें भी इतने वर्क परमिट होल्डर स्टूडेंट सारे रह रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे तो उन्होंने टैक्स भी भरे ने, सो इस करके असी एक रिक्वेस्ट कर रहे गवर्नमेंट को कि इन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के कोल 3.5 लाख का हर ईयरली उन्होंने एक इमीग्रेंट चाहिए होंगे, तो इस करके भी इतने ऑलरेडी इतने बैठे ने एक्सपीरियंस होल्डर ने, तो इन्हों ही पक्के कर दिता जाए तो बहुत चंकी गल है। वेरी गुड। पटीशन थोड़ा की ईमेल एड्रेस की है, कितने पटीशन जा सकते बंदे? हाँ जी, पटीशन जी ऑनलाइन तो नहीं, www.change.org
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੀਆਰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਨ ਕਰ I was confused for a while to figure out what to make, and then one night I was like, I like to learn about Kashmir a lot. I like to research Kashmir a lot. I've done a lot of essays and a lot of projects on Kashmir. I do care about Kashmir a lot. So I decided to kind of just do a mixed media canvas with like depicting the mountains and the Jhelum River, and then I did some lines from the Azad Kashmir anthem. मिली नगमा जो लॉन्च किया है इंतखाब साहब ने खुद लिखा है कि गिलगित से ग्वादर तो इससे बेटर डे बड़े स्मार्ट हैं इंतखाब भाई कि इस 14 अगस्त से बेटर डे मिली नगमे के लिए क्या हो सकता है लॉन्च करने के लिए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तो इनकी पूरी टीम इनकी फैमिली इनके बच्चे और हमारी भाभी सब ने बड़ा मेहनत से काम किया है और ये इतना आसान नहीं है इस कोविड के टाइम पर और ये जो अरेंजमेंट हुई है हम इनको अभी मुबारकबाद पेश करते हैं मिली नगमा पाकिस्तान की टीम को और इनकी पूरी जो है होस्ट को भी और सब पूरे बच्चों Can Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-78. Our website is www.icanhelpimmigration.com.